मार्च 8 तारीख 2014 मसीहा ए तारीख विमान उड़ाण इतिहास रे एक रहस्य छड़ी जाइतला। ए तारीख रे एमिती किछि घटना घटिला जहार प्रकृत कारण खोजिबाकु वर्ष वर्ष समय लागिगला। विमान उड़ाण को नहीं अनेक रहस्यमय कहानी आपण सुनिथिबे, किंतु 2014 रे घटिथिबा ए विमान आज जाए काहेकि अबुझा होइ रहिछि से विषय चलतु आज एपिसोड रे जानिबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ओ आम चैनल को सब्सक्राइब करने को जमार भूलंतु नहीं। राति 12:42 मालेशिया एयरलाइंस रो विमान MH370 क्वालालंपुर रु टेक ऑफ करिला बेजिंग आड़क। अन्य दिन भली से दिन भी सबकिछ जांच कर सारिबा परे विमान उड़ाण भरीथिला। एथिरे 227 जन यात्री, 10 जन विमान कर्मचारी और 2 जन पायलट थिले। जणे कैप्टन थिले जाहरी अहमद शाहा और अन्य जणे थिले ऑफिसर फारिक हमिद। जाहरी अहमद जणे अभिज्ञ पायलट थिले जहांकर बयस पाखापाखि 53 वर्ष थिला, किंतु फारिक जणे 26 वर्षीय युवक थिले जे कि से दिन निजर ट्रेनिंग पीरियड रे विमान चलाउथिले। तबे जहाँ भी होना कहीं कि दुई पायलट सुरखुरु रे विमान चलाई निजर लक्ष्य स्थल रे पहुंचिबार आशा बांधी यात्रा आरंभ कले। पाखापाखि गोटाए घंटा 15 मिनिट समय रे विमान साउथ चाइना आड़कु थिबा समुद्रर उपरी भाग रे पाखापाखि 35,000 फुट उपरे उड़ुथिला। सही समय रे विमान उड़ाण आरंभ करथिबा क्वालालंपुर स्टेशन रो कमांड आसला। फ्लाइट नंबर 370 आगामी वियतनाम ट्राफिक स्टेशन होंग ची मिन को जोगाजोग करंतु शुभरात्रि। एहा सुनि पायलट जाहरी मध्य शुभरात्रि कहिथिले। एहा ही थिला तांकर शेष शब्द, काहेकि ना ठीक एतिकि बेले विमान राडर रे आउ देखिबा को मिलिलानी, अचानक कुआडे गायब होगला। तापरे निया भली खबर सबुआड़े व्यापीगला। घटना घटिबार 4 घंटा परे एहाकु संगीन धरणर घटना बोली समस्ते अनुमान कले। प्रथमे वियतनाम स्टेशन और क्वालालंपुर स्टेशन परस्पर भितरे ए द्वंद्वरे पड़िगले जे विमान आम राडर रे नाही जदि गला कुआडे। राति 12:42 उड़ाण भरीथिबा विमान सकाळ 6:32 रे बेजिंग पहुंचिबा कथा, किंतु प्रकृत रे एमिति हेला नाही काहेकि। हाँ, स्वाभाविक मनरे प्रश्न आसीब जे एहा क्रास होई जायछि किंबा किछि अघटन एही विमान सह घटिछि। एथिपई तुरंत अनुसंधान काम आरंभ करागला। जदि मैप रे देखिबे ताहाले आपण जानि परिबे जे एही विमानटी केउ बाट दे जाउथिला। अनुसंधानकारी टीम से ही जगह पहुंचला जेउठी शेष थर पर पायलट कथा शुणा मिलता, माने साउथ चाइनार समुद्र मछिरे। से ही समय 34 जहाज और 28 एयरक्राफ्ट विभिन्न देशर आसी सर्च करिवारे लागी पड़िले, किंतु किछि भी सुराग मिललानी। 4 दिन पर खबर मिलला जे विमान सिविलियन रडार रु सिना गायब हो जाइतिला, किंतु मिलिटारी राडर रे एहार गति रिपोर्ट करा जाइछि। आउ ए रिपोर्ट अनुसारे विमानटी साउथ चाइनार समुद्र उपविभाग रे नथिला, बरंग 2:22 रे एहा आंडामान निकोबर आड़कु गति करथिला, माने बेजिंग रु पूरापूरी विपरीत दिगरे जाउथिला। ए खबर आसीबा परे समस्ते आश्चर्य हेगले आउ भाबिले जदि विमान अन्य दिगकु जाउथिला ताहले अचानक गायब काहीकि हेगला। किछि लोक कहिले कोन एहा भारत आगकु जाई हिमालय रे क्रास करि जाइथिबो। अनेक प्रश्न भितरे नुआ नुआ तथ्य भी सामना को आसुथला। रेडार घटना परे सैटेलाइट रु भी किछि तथ्य मिलला। सैटेलाइट सहित बड़ बड़ विमान चाहिले जोगाजोग करि थाइ पारंति। भारत महासागर उपरे थिबा सैटेलाइट अनुसारे फ्लाइट नंबर 370 भी संजोग करने को चेष्टा करथिला, किंतु जोगाजोग होई पारे नथिला।
ତେଣୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଅବିକଳ ସ୍ଥାନର କଳନା କରିପାରିନଥିଲେ ବି ଏହା ଏକ ଆନୁମାନିକ ସ୍ଥାନର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଗବେଷକମାନେ ତର୍ଜମା କଲେ ଯେ ଏହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ 2000 କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମକୁ ଓ ଭାରତ ମହାସାଗର ମଧ୍ୟରେ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ସେଭେନ୍ଥ ଆର୍କ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବି ସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ତଥ୍ୟ ମିଳିବା ପରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, କାରଣ ଯଦି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସମୁଦ୍ର ଗଭୀରତା ଭିତରେ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବ, ନା କି ସମୁଦ୍ରର ଉପରିଭାଗରେ ଭାସୁଥିବ। ତେଣୁକରି ସେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ। 2014ରୁ 3 ବର୍ଷ କାଳ $160 ମିଲିୟନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କିଛି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଶେଷରେ ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ 2018ରେ ଓସିଆନ୍ ଇନଫିନିଟି ନାମକ ଗୋଟିଏ ଆମେରିକୀୟ ସଂସ୍ଥା ମାଲେସିଆ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ଆମକୁ ଏହି ବିମାନ ଖୋଜିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, ଯଦି ବି ଆମେ ଏଥିରେ ବିଫଳ ହେଲୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବି ଟଙ୍କା ନେବୁ ନାହିଁ। କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଏମାନେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନମ୍ବର 370କୁ? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ପାର୍ଟ 2ରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ।